ऑटोमोबाइल की जानकारी पाने के लिए क्लिक कर दीजिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन बोला और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल भोला मैक टेक। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता क्या है और ये इतना एफिशिएंट कैसे होता है, हम इतना अच्छा कैसे मानते हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करेंगे, क्या इसमें बुराइयां हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ जानने को मिला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी समझ में आए कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता क्या है, CNG होता क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी प्रॉपर्टीज को एनलिस्ट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस को कंप्रेस करके रखा हुआ है। तो नेचुरल गैस बेसिकली होता क्या है वो बात करते हैं। तो नेचुरल गैस होती है पेट्रोलियम, जो हमारे ग्राउंड से निकल के आती है, और पेट्रोलियम होता क्या है जिसमें 95% जो होता है वो होता है मीथेन, और जो बाकी 5% होता है वो होता है ब्यूटेन, प्रोपेन, इथीन, और इसमें कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं, उन सबका मिक्सचर 5% होता है और 95% होता है मीथेन। मीथेन इतना ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से जैसे उसमें आग लगाई ना, इतना सिंपल स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब सी और एच का जो वो एक कॉम्पोनेंट बनता है, एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल बनता है मीथेन का, एक सी और चार एटम, तो वो इतना सिंपल होता है कि उसमें आग लगाते ही बहुत आसानी से जल जाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। तो ये जो CH4 का जो मिक्सचर है जो होता है मिथेन, इसलिए ये सारे हाइड्रोकार्बन और ये सारे पेट्रोलियम इसलिए इतने अच्छे से जल जाते हैं क्योंकि उसका इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे मैंने लिस्ट करी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडरलेस, मतलब ये इसको अगर हम सूंघेंगे तो इसमें ज़्यादा कोई अलग से स्मेल नहीं आती। पेट्रोलियम की बात करूँ, CNG की बात करूँ, मतलब इतना ज़्यादा बदबू नहीं आती सर में चढ़ने वाली, इतनी ज़्यादा वो वाली बदबू नहीं होती। कलरलेस, आपने देखा ही होगा कि कोई कलर नहीं होता CNG का, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं। और इनफ्लेमेबल, मतलब एकदम से जल जाएगी, अगर मैंने इसमें चिंगारी डाली तो एकदम से आग पकड़ लेगी। नॉन टॉक्सिक, मतलब कोई टॉक्सिक नहीं है, अगर मतलब ज़्यादा हजार्डस नहीं होती है ये। और अगर बात करें तो नॉन कोरोसिव भी होती है, नॉन कोरोसिव का मतलब अगर आपने सिलेंडर में स्टोर कर रखे तो सिलेंडर में जंग नहीं लगेगा। और इसके बाद मैंने लिखा है हाई ऑक्टेन नंबर, मतलब 127 तक का इसका ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर के बारे में मैं अगली एक दो वीडियो बाद बना दूंगा ऑक्टेन नंबर होता क्या है, तो अभी तक के लिए जान लीजिए कि ऑक्टेन नंबर है इसका 127। ऑक्टेन नंबर बेसिकली अगर मैं बहुत शॉर्ट टर्म में बताऊं तो पेट्रोलियम के अंदर दो चीज़ों का मिक्सचर में कितनी परसेंटेज रहती है एक मेन कंपोनेंट की, उससे ऑक्टेन नंबर पता चल जाता है। ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहता है, और जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर 95 के अराउंड होता है। तो आप सोचिए कि कितना अच्छा ऑक्टेन नंबर है इसका 127, 95 से कंपेयर किया जाए तो 127 बहुत अच्छा ऑक्टेन नंबर है। तो 127 का ऑक्टेन नंबर मिल रहा है, इसका मतलब और भी अच्छा ये फ्यूल है और अच्छा अच्छे से ये जलेगा। और सीटेन नंबर होता है 10, सीटेन नंबर जितना कम हो उतना अच्छा होता है। सीटेन नंबर की बात हम करते हैं डीजल से, तो डीजल से कंपेयर करने में भी ही अच्छा है। अगर हम बात करें आगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की, तो ये बहुत कम पॉल्यूशन करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत कम इफेक्ट डालती है, और इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब अगर हम इसको यूज़ करते हैं पेट्रोल की जगह तो एक तिहाई कॉस्ट लगेगी हमारी बस, और अगर हम डीजल की जगह यूज़ करेंगे तो सिर्फ आधी कॉस्ट में हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। इसका जो कंप्रेशन होता है उसे हम 250 bar एक प्रेशर की यूनिट है, 250 बार तक में इसे स्टोर कर देते हैं एक सिलेंडर के अंदर। आपने CNG पंप्स पे देखा भी होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो उसके मीटर पे तो वो 250 बार तक जाता है, उसका मैक्सिमम टाइम 250 बार तक का वो प्रेशर दिखा देता है। अगर हम बात करें तो इजीली डिस्पर्स हो जाती है एयर के अंदर, अगर मैंने हवा के अंदर CNG का थोड़ा सा छोड़ दिया तो CNG एकदम से उड़ जाएगी, मतलब ये इतनी ज़्यादा सेफ है कि आपने अगर बाई चांस कभी CNG लीक हो भी जाती है तो CNG इतनी जल्दी से ऊपर उड़ जाती है कि अगर आप थोड़ी बहुत चिंगारी लगाएंगे भी तो आग पकड़ ही नहीं पाएगी इतनी देर में, तो CNG उड़ जाएगी ऊपर। अगर इसके आगे बात करें तो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है 540, और अगर बात करें पेट्रोल की तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ 280। आगे भी इसी पॉइंट को आगे फिर से डिस्कस करूंगा। लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब है कि आपका जो पिस्टन जब नीचे जाता है तो कुछ वॉल्यूम को स्वेप करता है। अब जितना इसने वॉल्यूम स्वेप किया क्या उतना ही फ्यूल इसके अंदर आया, जितना फ्यूल आया और जितना इसने वॉल्यूम स्वेप किया उन दोनों का रेशियो देखा जाए तो वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बताता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसकी कम होती है क्योंकि गैसियस फ्यूल है, गैसियस फ्यूल है तो इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होना लाजमी है। और हम बात करें इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने की वजह से इसकी पावर भी बहुत कम होती है, मतलब आपने देखा होगा कि पेट्रोल पे अगर आप गाड़ी चलाएं और CNG पे गाड़ी चलाएं तो पिकअप में फर्क दिखता है, तो पेट्रोल की गाड़ी में पिकअप अच्छा आता है, वो इसी वजह से क्योंकि इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है गैसियस फ्यूल होने की वजह से। तो ये जो है ये ऑपरेबल होता है 12:1 कंप्रेशन रेशियो पे, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि इसका
इग्निशन टेम्परेचर है वो 540 डिग्री सेल्सियस, 540 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं मिलेगा जब तक ये ऑटो इग्नाइट नहीं हो सकता, मतलब खुद से नहीं जलेगा। तो अगर मैंने इसको और ज़्यादा कंप्रेस करता चलाया मतलब 12:1 तक मैं अगर कंप्रेशन रेशियो तक ले आता हूँ जब तक ये 540 डिग्री पे नहीं पहुँचता होगा, लेकिन अगर मैं पेट्रोल को रखता हूँ तो उसे 280 टेम्परेचर बहुत जल्दी मिल जाएगा कहीं, तो इसलिए उसका कंप्रेशन रेशियो कम रहता है। लेकिन अगर हम बात करें सीएनजी की तो इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है क्योंकि इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 540 डिग्री, काफ़ी ज़्यादा है, जो इसलिए ये ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो तक जा सकता है जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी यहाँ पे बात करें फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब अच्छा माइलेज देने वाली है सीएनजी की गाड़ी, जैसा कि नॉर्मली आप देखते भी हैं होता भी है। अगर हम बात करें इसका एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो है 14.5:1, मतलब 14.5 मॉलिक्यूल हवा के आएंगे जब इसका एक मॉलिक्यूल उठ के आएगा सीएनजी का। और अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की तो पेट्रोल इंजन का होता है 14.6:1, तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसको डायरेक्टली पेट्रोल इंजन के अंदर यूज़ बहुत आसानी से किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सीएनजी किट लगा के। डीजल इंजन में इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि उसमें उसकी रिजेंबलेंस इससे काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए डीजल इंजन के साथ इसका यूज़ नहीं किया जाता ज़्यादा। अगर हम बात करें इसकी जो इंजन डेंसिटी है वो काफ़ी कम होती है। इंजन डेंसिटी का मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इंजन डेंसिटी का मतलब है कि जितना बड़ा इंजन है उसके कंपैरिजन में उसकी पावर कितनी आ रही है। तो अगर हम देखा जाए इसका कंपेयर करें पेट्रोल के साथ, तो पेट्रोल वाला इंजन ज़्यादा पावर देगा, सेम इंजन ज़्यादा पावर पेट्रोल का दे देगा, लेकिन सीएनजी का इंजन जो है वो कम पावर देगा, इसीलिए इसकी जो इंजन डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है। तो अगर अब हम बात करें कितने तरह के सीएनजी इंजन होते हैं, वो होते हैं 3 तरह के, बाई फ्यूल, डुअल फ्यूल और डेडिकेटेड। बाई फ्यूल का मतलब है इंजन जो यूज़ करेगा तो पेट्रोल या तो सीएनजी, जिसको हम एक स्विच के जरिए हम कर सकते हैं, जो नॉर्मल सीएनजी किट के साथ जो लग के आते हैं उनमें आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें डुअल फ्यूल, यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, ये होते हैं डीजल इंजन जो यूज़ कर सकते हैं सीएनजी को। तो आपने बहुत कम ही सुना होगा, शायद ही किसी ने सुना होगा कि डीजल इंजन में भी सीएनजी यूज़ होती है। तो मैंने ये जब पहली बार सुना मैं भी सरप्राइज था कि हाँ डीजल इंजन में भी सीएनजी यूज़ हो सकती है। तो होता क्या है कि जो डीजल इंजन है उसमें सीएनजी लेता है और डीजल दोनों लेते हैं, कंबशन चैंबर के अंदर अगर सीएनजी और डीजल दोनों आ गए तो जब कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन की वजह से डीजल जल जाता है, क्योंकि सीएनजी को तो चाहिए स्पार्क क्योंकि उसका टेम्परेचर है 540 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर, तो इसलिए वो तो जलेगा नहीं, तो डीजल जल जाता है। जब डीजल चलता है और सीएनजी का मिक्सचर है तो इसलिए क्या होता है, जब डीजल जलता है उसके इग्निशन को यूज़ करके सीएनजी भी जल जाती है, तब वो इंजन काम करना स्टार्ट कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। और इसके बाद है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब या तो खाली सीएनजी से चलेगा, खाली डीजल से चलेगा, या फिर खाली पेट्रोल से चलेगा, इस तरह से ही काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आपको सीएनजी के बारे में, बहुत कुछ नई जानकारी आपको शायद मिली हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी जानने को मिलेगा कि सीएनजी इंजन्स होते क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो अभी अभी और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ, हर हफ्ते में लगभग 3 वीडियोज में डाल देता हूँ। तो देखते रहिए भोला मैकटेक, यूँ ही शेयर करते रहिए, यूँ ही सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए।